इस वक्त की एक बड़ी खबर, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। ठेके में गड़बड़ी के मामले में एक ऑडियो क्लिप को जांच के लिए सीएफएसएल के पास भेजा गया था। अब इस ऑडियो क्लिप में राजेंद्र कुमार की आवाज होने की पुष्टि हुई है। इस ऑडियो क्लिप में कथित तौर पर राजेंद्र कुमार और बाकी आरोपियों की बातचीत है। आपको ये बता दें कि 4 जुलाई को राजेंद्र कुमार को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, जिनके बाद इनकी कस्टडी ली गई थी। इस पर और ज्यादा डिटेल्स मेरे सहयोगी मनीष दे रहे हैं। मनीष, आपके पास क्या जानकारी? देखिए पूर्णिमा, जब सीबीआई ने छापे मारे थे पहले, तो सीबीआई को जो तमाम बाकी जो एक्यूज हैं, आरोपी हैं, उनके पास से मोबाइल में जो बातचीत होती है उसका क्लिप मिला था। और उसके बाद जब राजेंद्र कुमार को अरेस्ट किया गया और उनके आवाज के जो नमूने हैं, बाकी जो क्लिप में आवाज थे, बाकी जो एक्यूज के बीच की बातचीत थी, उसको उन्होंने सीएसएफएल लैब जांच के लिए भेजा और अब इस लैब की रिपोर्ट आ गई। तो इसका जो सबसे बड़ा जो मुश्किल होगा राजेंद्र कुमार के लिए और सीबीआई के लिए सबसे बड़ी चीज होगी कि वो जो जांच कर रहे हैं कि कैसे सभी आरोपी एक दूसरे को जानते थे और राजेंद्र कुमार जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और उससे पहले जिस तरीके से उन्होंने टेंडर दिए थे, तो कहीं ना कहीं उनके बीच एक लिंक था, दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष।